फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी कि विको टर्मर क्रीम को यूज़ करने से हमारे कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं, हमारी स्किन पे कितना ज़्यादा काम करती है। विको टर्मर क्रीम एक ऐसी क्रीम है जिसमें हल्दी मिक्स है और इसे लगाने से आपकी जितनी भी स्किन प्रॉब्लम है वो सही हो जाती है। तो इसका यूज़ कैसे करना है वो भी बताऊंगी और इसके यूज़ करने से कितने सारे फ़ायदे हैं आज यही बताऊंगी। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है ये भी देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप मेरा कोई भी नया वीडियो मिस ना कर सकें। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे विको टर्मर क्रीम के बारे में, जो कि काफ़ी अच्छी क्रीम है, बहुत पुरानी क्रीम है क्योंकि इसे काफ़ी लंबे समय से हम सब जानते हैं कि ये क्रीम कितनी अच्छी है। तो आज हम जान लेते हैं इस क्रीम के बारे में। तो फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं विको टर्मर क्रीम के बारे में, इसका एड काफ़ी लंबे समय से आ रहा है और पुराने ज़माने में क्या अब भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, लेकिन बाकी कुछ लोग जो है नई नई ट्यूब, आपको कोई भी क्रीम मिल जाती है तो आप उसे ले लेते हैं लेकिन इसको भूल जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसी क्रीम है, आयुर्वेदिक क्रीम है। फ्रेंड्स, ये जो आती है ऑरेंज कलर की ट्यूब में आती है और इसके अंदर सैंडलवुड ऑयल मिक्स किया गया है और ये टर्मरिक है। तो फ्रेंड्स, मेन बात ये है कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको पसीने की प्रॉब्लम हो जाती है और आपको कोई भी क्रीम सूट नहीं करती है, तो आपको ये WSO क्रीम, विको टर्मर WSO क्रीम यूज़ करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये येलो वाली आती है, इसमें सैंडलवुड ऑयल नहीं है और ये आपकी स्किन पे एक अच्छा सा ग्लो लाती है, आपकी स्किन पे शाइन आ जाती है। और जब आपकी स्किन पे पिंपल्स हो रहे हैं, अगर ऑयली स्किन वालों की थोड़ी सी पिंपल्स वाली प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो आपको ये येलो वाली यूज़ करनी चाहिए। और ये एक नाइट क्रीम का भी काम करती है, अगर आप इसे नाइट में लगा के सो जाते हैं तो धीरे धीरे आपकी स्किन पे पिंपल्स होने की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और धीरे धीरे आपकी स्किन के दाग धब्बे ठीक हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको ये विको टर्मर क्रीम बहुत ज़्यादा पसंद आएगी अगर आपकी स्किन ऑयली है। मैंने इसे यूज़ किया है और काफ़ी समय से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे। तो इस क्रीम को आप एक बार ज़रूर यूज़ कीजिएगा और प्राइस इसकी बताऊँ तो ज़्यादा नहीं है, आपको 60 रुपये में मिल जाएगी ये क्रीम। और फ्रेंड्स, अगर आप इसे लेकर आएंगे थोड़ी थोड़ी करके, अगर आप 2 से 3 बार अपने फेस पर लगा सकते हैं, अगर थोड़ी थोड़ी यूज़ करेंगे तो भी आपके स्किन पर जब आप इसे लगाने के बाद रिज़ल्ट अच्छा होएगा और ये जो क्रीम है काफ़ी लंबे समय तक आपके चल जाएगी। उसके अलावा फ्रेंड्स, उसकी बात करूँ ऑरेंज वाले की, तो उसके अंदर सैंडलवुड ऑयल की वजह से अगर आपकी स्किन ऑयली है तो इसे लगाने से आपकी स्किन पे पसीना आ सकता है, तो ये आपको पसंद नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो इसे यूज़ ना करें, ये ड्राई स्किन वालों के लिए काफ़ी अच्छी सूट करेगी। अगर स्किन आपकी ड्राई है तो आप इसे यूज़ कीजिए, इतनी अच्छी सूट करेगी। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है तो इसे लगाने के बाद आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी। और फ्रेंड्स, येलो वाली जो है वो ऑयली स्किन वाले यूज़ करें। बात करूँ इसके टेक्सचर की तो दोनों का टेक्सचर जो है सेम है, और येलो वाली मेरी जो पसंद की क्रीम है, मैं इसके बारे में बताऊँ तो इसका टेक्सचर जो है थोड़ा सा लाइट येलो है, डार्क येलो नहीं है, लेकिन वो ऑरेंज वाली ट्यूब है उसका टेक्सचर जो है वो येलो टाइप का है। बाकी खुशबू दोनों की सेम है, कलर दोनों का सेम है। फ्रेंड्स, इनकी खुशबू बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आपको ये क्रीम पसंद नहीं आएगी क्योंकि इसकी खुशबू काफ़ी तेज़ है, तो आपको शायद ये सूट नहीं करेगी। बाकी ये सभी स्किन वाले इसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ी थोड़ी लगा के दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छी क्रीम है। इसे लगाने के बाद बहुत अच्छे शाइन आ जाएगी, अगर आपकी स्किन जो है ऑयली है तो उस पर भी शाइन आएगी, अगर आपकी स्किन ड्राई है उसमें भी ग्लो आ जाएगा, अगर आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई है तो वो सॉफ्ट, ये क्रीम आपकी स्किन को सॉफ्ट बना देगी। बहुत ही अच्छी क्रीम है, इसे एक बार आप ज़रूर यूज़ कीजिए। फ्रेंड, आप खुद रिज़ल्ट देखिए, मेरा जो है हाथ है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी क्रीम ली थी और पूरे हाथ पे लगा ली है, इसी तरह आपको थोड़ी सी अपने फेस पे लगानी है और अच्छे से लगा लीजिए, अच्छे से सेट हो जाएगी और शाइन आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी शाइन आ चुकी है। अब ये वाली भी आपको लगा के दिखाती हूँ, दोनों का टेक्सचर सेम है। तो फ्रेंड्स, बस फ़र्क यही है कि आपको जो है
येलो कलर वाली ऑयली स्किन वालों को लगानी है और ड्राई स्किन वालों को ऑरेंज कलर वाली ये जो ट्यूब आती है ये यूज़ करना है। फ्रेंड्स कोई भी शिकायत नहीं होगी अगर आपने इसे यूज़ किया तो, बस इसकी खुशबू थोड़ी तेज़ है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। बाकी इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, आयुर्वेदिक है तो खुशबू थोड़ी सी तेज़ है इसकी, मैं ये बात मानती हूँ। अगर आपको किसी भी क्रीम को यूज़ करना है तो सबसे पहले आपकी छोटी ट्यूब आप ला के देख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी क्रीम यूज़ करनी है तो आप पहले छोटी ट्यूब ला के देखिए, उसके बाद आपको सूट करे तो आप बड़ी वाली लेके आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मार्केट में आपको मिल जाएगी आराम से ये क्रीम, रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया है और इसे लगाने के बाद फ़र्क आप खुद देख सकते हैं कितना अच्छा फ़र्क आ चुका है। फ्रेंड्स ये जो क्रीम है, इस क्रीम के लगाने के बाद चाहे आप स्किन पे लगाइए, चाहे आपकी कहीं पे भी चोट लग जाती है वहाँ पे इसे यूज़ कीजिए, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। अगर आपके कहीं पे चोट पे भी लगी है ना तो इसे आप यूज़ कर लीजिए, आपकी जो चोट है वो ठीक हो जाएगी। फ्रेंड्स ये दोनों ही काफ़ी अच्छी क्रीम है, लेकिन बस रिज़ल्ट ये बहुत अच्छा है, लेकिन बस फ़र्क यही है कि ऑयली स्किन वालों को ये ऑरेंज वाली बिल्कुल भी सूट नहीं करेगी। बाकी दोनों क्रीम बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है और आप मार्केट में आप कहीं से भी ले सकते हैं। बाकी ये क्रीम काफ़ी अच्छी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी इन दोनों क्रीम में। और अगर आप कोई भी डे क्रीम के लिए ढूंढ रही हैं, अच्छी क्रीम ढूंढ रही हैं डे क्रीम के लिए, तो आप इन्हें यूज़ कर सकती हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सी क्रीम पसंद आई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।